नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। लोकसभा चुनावों के चलते सभी दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। वोटरों को लुभाने के लिए नेता एक दूसरे पर तरह तरह के जुबानी हमले करने से भी नहीं चूक रहे। ऐसे ही एक नेता का बयान इन दिनों यूपी की सियासत में जमकर बवाल मचा रहा है। ये नेता कोई और नहीं बल्कि अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहने वाले इमरान मसूद हैं। इस बार इमरान मसूद कांग्रेस के टिकट पर यूपी की सहारनपुर लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में हैं। इन दिनों उनका एक बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वे एक जनसभा को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि अगर भाजपा दोबारा आ गई तो सबसे पहले इलाज तुम्हारा और मेरा होना है। याद रखना, मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं कि यह चुनाव इमरान को जिताने हराने का नहीं है, यह चुनाव अपने आप को बचाने का है। मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं कि यह चुनाव इमरान को जिताने हराने का नहीं, ये चुनाव अपने आप को बचाने का है। ये चुनाव अगर भाजपा दोबारा आ गई तो सबसे पहले इलाज तुम्हारा और मेरा होना है, याद रख लेना। बात हंसने की बात नहीं है, यह अमित शाह कह रहा है, यह अमित शाह बोल रहा है। ये जितनी मजबूत आवाजें हैं सारी खामोश ऐसे ही नहीं की जा रही, कोई बोलने वाला ना बचे, कोई बोलने वाला ना बचे, ये साजिशें हैं। कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद के इस बयान को लेकर बीजेपी ने इस पर आपत्ति जताई है। बीजेपी ने इमरान मसूद के इस बयान की शिकायत चुनाव आयोग से की है। बीजेपी ने चुनाव आयोग को दी अपनी शिकायत में कहा कि वह एक विशेष वर्ग में डर का माहौल पैदा कर हिंसा के द्वारा चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आदर्श आचार संहिता का घोर उल्लंघन है। कौन है इमरान मसूद? इमरान मसूद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े नेताओं में से एक माने जाते हैं। कांग्रेस से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले इमरान मसूद उस समय चर्चा में आए जब उन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी। प्रधानमंत्री को लेकर दिए उनके बयान ने मसूद समेत कांग्रेस की काफी किरकिरी कराई थी। बाद में इमरान का कांग्रेस से मोहभंग हो गया और सपा में शामिल हो गए। सपा के टिकट से उन्होंने 2014 में सहारनपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। इसके बाद वे मायावती के हाथी पर सवार होकर अपनी सियासी जमीन मापने लगे, लेकिन यहाँ भी उनका मन ज्यादा दिन नहीं लगा। उन्होंने एक बार फिर से कांग्रेस का हाथ थाम लिया। कांग्रेस ने इस बार उन्हें सहारनपुर लोकसभा सीट से पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि सहारनपुर लोकसभा सीट कई मायनों में सभी राजनीतिक दलों के लिए अहम मानी जाती है। बीजेपी ने इस बार सहारनपुर लोकसभा सीट से राघव लखनपाल शर्मा को टिकट दिया है। उनका मुकाबला इस बार इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार इमरान मसूद से होगा। अब देखना यह होगा कि इस चुनावी जंग में जीत किसकी होगी। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर फास्ट।